तुरंत कहवाते हैं कि भाई कह नहीं समय पर आए हो, 9:30 बजे सबको आ जाना। पार्टी का जो मेन कोर्स था, जो आत्मा थी, वो थी महंगाई। उनकी आत्मा थी जिसके कह पे आए बेरोजगारी। उनकी आत्मा थी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो सब फेल कर गया है। रुपया गिर गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी अपनी प्रकाष्ठा पर है, इस पर भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, चाहे वो बात बीजेपी की हराने को लेकर हो या फिर अपने अधिकारियों को सुनाने को लेकर। नीतीश कुमार हर रोज़ सुबह सुबह सचिवालय पहुँच जा रहे हैं, कभी सचिवालय पहुँच रहे हैं तो कहीं निरीक्षण करने निकल जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार सुबह सुबह विश्व सरैया भवन पहुँचे थे, वहाँ पहुँच करके उन्होंने अधिकारियों के टाइम टेबल का जायज़ा लिया, इसके साथ ही साफ सफाई को भी देखा। नीतीश कुमार के अचानक पहुँचने से हड़कंप मच गया अधिकारियों में। नीतीश कुमार पहुँच करके क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सब जगह देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है, कोई नहीं रहते तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई कह नहीं समय पर आए हो, 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। है? आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। इसीलिए सब बाकी ये सब इसको तो देखने आप जानते हैं, इसको बहुत बड़ा ना बनवाया है, एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक हो जाए। नीतीश कुमार चाहते क्या है? सुबह सुबह कार्यालय आ रहे हैं, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि आप लोग सब आगे बढ़िए। आपने नीतीश कुमार को सुना, जब उनसे पूछा गया कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम चाहते हैं कि सब अधिकारी टाइम से अपने टाइम टेबल के अनुसार ऑफिस आ जाए, काम करें। इसके साथ ही जब उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप। तो पहले से था, पहले से जाने की उनकी इच्छा थी, नहीं इंटैक्ट बता रहे थे आप लोग, फिर अब धीरे धीरे बिखराव होने लगा है। जिसको अभी बिखराव कर, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा ही ना, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, फर्क पड़ेगा गठबंधन पे, क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा और एनडीए के साथ तमाम गठबंधन को खत्म कर लिया, वो लोग कह रहे थे कि पहले इंडिया अलायंस टूटेगा, लेकिन उधर का पुनवा धीरे धीरे ढहने लगा है। वो देखिए ऐसा है कि चुनाव आते आते बहुत सी पार्टियाँ इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन कोर्स था, जो आत्मा थी, वो थी महंगाई। उनकी आत्मा थी जिसके कह पे आए बेरोजगारी। उनकी आत्मा थी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो सब फेल कर गया है। रुपया गिर गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी अपनी प्रकाष्ठा पर है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं रहा। जो आम कोर्स है, जो पब्लिक के कंसर्न का है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता पर काबिज है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जिनका वोटर है, उसको इससे मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी मंत्री अशोक चौधरी को भी सुना, उन्होंने बताया कि लगातार इस पर काम किया जा रहा है कि कैसे सिस्टम को सही किया जाए। तो अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार और मंत्री अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले सप्ताह से ही लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कभी सचिवालय चले जा रहे हैं तो कभी किसी अन्य ऑफिस में, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों में अब टाइमिंग को लेकर काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, उनका औचक निरीक्षण कितने दिनों तक चलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।